श्री राधे आप सभी को। तो जब से मैंने YouTube पर वीडियोस बनाने शुरू की है, सिर्फ मैं एक ही नाम का उच्चारण ज़्यादातर करता हूँ, जय श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे। सो फाइनली वेट इज़ ओवर। तो आज हम और मेरे दोस्त श्री राम वृंदावन जाने के लिए स्टेशन पर आ चुके हैं। तो ये यात्रा का स्पेशली नाम रखा है हमने, यात्रा ब्रजधाम। तो सबसे पहले तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर श्री राधे, जो भी आपने राधे राधे या हरे कृष्णा लिखना है आप लिख दीजिए, और अगर कुछ मंगवाना हो तो कमेंट कर बता सकते हैं। तो आज की ये यात्रा, तो ये हमारी जो यात्रा है हमारी, अरे बाप रे, नहीं इधर को आ, कैमरे से शर्माते बहुत हैं यार। दरअसल हमारे सर्वेश्वरी कुंज आश्रम जो कि वृंदावन में, तो नाइट तक, क्योंकि हम रात को 11 या 11:45 बजे पहुँचेंगे। थैंक यू फॉर दिस। मेरा दोस्त हमें सोने की, आप 3 साल बाद वृंदावन जा रहे हैं और 3 साल बाद ही रेलवे स्टेशन का सफ़र कर रहे हैं, तो किस मंदिर में जाने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड? पहले प्रेम मंदिर, बहुत ही अच्छा व्यू होता है। कैसा लग रहा है सभी दोस्तों को साथ में एक साथ मिलते हुए? बाकी सारी वीडियोज में पार्ट वाइज डिवाइड कर दूंगा और जो भी ब्लॉग होगा आपको वीडियो मिल जाएंगे। एंड ये नेक्स्ट डे से हमारी यात्रा मतलब वृंदावन की शुरू होगी, तो आश्रम तक मैं आपको वीडियो ये सफर सारा दिखा दूंगा। तो चलिए बाकी दोस्तों से मिलते हैं और पूछते हैं कि किस मंदिर पर वो जाने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड। हमारे साथ फर्स्ट टाइम हमारा छोटा भांजा भी आया है, तो इससे ही पूछ लेते हैं हिंदी। तो आप कहाँ किस मंदिर में जाने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड? निधि वन। वेरी गुड, सही है, ये उम्मीद बहुत अच्छी थी मेरी आपसे। निधि वन, परफेक्ट। तो रोहित जी, आप 3 सालों बाद जा रहे हैं, किस मंदिर में जाने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड? बांके बिहारी। हाँ, बांके बिहारी लाल। जतिन भाई, अरे ठाकुर जी, कहाँ जा रहे हो रे? तो आप किस जगह, किस स्थान पर जाने के लिए ज़्यादा आपका दिल कर रहा है, एक्साइटमेंट? दुबई। क्या अंदर दुबई? तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं भाई आज की श्रीधाम वृंदावन की। तो दोस्तों के साथ एक जयकारा लगा देते हैं, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास। सो लेट मी स्टार्ट द जर्नी, जय श्री राम। करण की सीट आ, सोनू जी मिडल सीट पर बैठन गए, हाँ कृष्णा जी दारिया सीटा, और मास्क लगाने वाले भाई जी इधर आ, और मेरी सीट सबसे ऊपर है, दिस वन अच्छी है, और आईना भी लगा हुआ है, आईना है तुम्हारा चेहरा। काफ़ी दूर तक आ गया हूँ मैं, बहुत लंबी ट्रेन है, इसका नाम है CSMT, शायद मुंबई एक्सप्रेस कुछ ऐसे करके। बहुत डर लगता है वैसे ऐसे चलते हुए, बहुत ज़्यादा लंबी है ट्रेन। तो चलिए मैं अपनी जगह पर ही जाता हूँ, कहीं लंबी ट्रेन में भूल ना जाऊँ रास्ता, क्योंकि हम पहुँच जाएंगे रात 11 बजे, हम पूरे मथुरा स्टेशन पर होंगे, तो ऑलमोस्ट 12 बज जाएंगे हमें आश्रम जाते हुए। बाकी की यात्रा मैं आपको वीडियोस पाता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। राधा राधे श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। तो मैं अपनी वापस उसी जगह पर जाता हूँ जहाँ से आया हूँ।
सवारियाँ आराम कर रही हैं और देख सकते हैं आप ये सारी सीटें फिलहाल अभी खाली हैं, लेकिन शाम तक इवनिंग तक ये भर जाएंगे सिर्फ ले। और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 3 साल के बाद ट्रेन में सफ़र किया एंड 3 साल का ट्रेन में सफ़र और मथुरा भी 3 साल बाद ही जा रहे हैं जैसे कि आपको पहले बताया था। तो मेरे दोस्त बहुत पीछे हैं और मैं बहुत आगे हूँ, बस 1 मिनट और मैं अपनी सीट में दोबारा आने वाला हूँ। तो आ गया हूँ मैं बिल्कुल बहुत दूर से मैं घूम कर आया, इसे कहा था लेकिन ये चला नहीं साथ में। इन महाशय ने हेडफोन लगा लिए लेकिन अब ये सुनेंगे नहीं किसी। लंच टाइम हो गया है, तो सभी लंच कर रहे हैं इस वक्त। दो दोस्त ऊपर चढ़े हैं, दो दोस्त हम ऊपर हैं, दो हमारे जो दोस्त हैं वो नीचे हैं, आप देख सकते हैं वो सोने में बैठा हुआ है, फ्राइड राइस खा रहा है और हम भी सेम वही। ये हमारे दोस्त ने बनाया था सर, तो चेक कर लीजिए, टेस्टी है। बाकी जैसे किसी ने किसी लेडीज़ ने बनाए हुए पर इसने बनाए बहुत टेस्टी है, अच्छा नाइस जन बहुत है। अच्छा फ्रेंड वेलकम बैक। तो सफ़र जारी है बिल्कुल वृंदावन धाम का। तो हमारी जैसे कि पानी की जो बॉटल थी वो ख़त्म हो चुकी है, तो पंजाब में मौज है, पंजाबियाँ की मौज है, बाहर आने के तो पानी भी पैसे ना मिलता। हूँ एक 2 लीटर की बॉटल 10 रुपये में बनाने वाले हैं क्या? ये मेरा फ्रेंड पानी भर रहा है, फ़ोन आ रहा है डैडी का, पर बाद में बात करते हैं। धन्यवाद। तो चलिए अब ट्रेन में बैठते हैं, क्योंकि ट्रेन चल पड़ी तो ऑटो रिक्शा से जाना पड़ेगा। अब हम ट्रेन के भीतर आ चुके हैं, जारी रहेगा सफ़र आज तक। आफ्टर लॉन्ग टाइम 3 सालों के बाद फिर से भगवान ने हमें बुला लिया है अपने श्री धाम वृंदावन में। तो देखिए फाइनली वी आर इन मथुरा रेलवे स्टेशन एंड कमिंग सून श्री धाम वृंदावन बाई ऑटो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में भी राधे राधे लिखी है। आता गड्डी का नंबर लिखा वो इन्होंने वास्ते लिखा गया, साढ़े वास्ते भी लिखे ही इन्हें फ्रेंड्स। तो फाइनली हम आ चुके हैं मथुरा रेलवे स्टेशन पर ही हैं इस समय। तो समय तो और लेट तो काफ़ी हो गए और सबकी कुछ दिनों की बैटरी लॉस हो रही है, लेकिन मेरी थोड़ी चार्ज है तो कुछ दिनों की चार्ज है। तो अभी देखते हैं ऑटो मिलता है कि नहीं, तो वैसे मिल जाएगा पॉसिबिलिटी है। तो मथुरा तो पहुँच गए हैं, टाइम हुआ है 11:35 टाइम हुआ है। चलिए अब आश्रम जाना पड़ेगा, जो जिस आश्रम में हमने रुकना है सर्वेश्वरी पूजा आश्रम। तो बाकी की यात्रा कल से शुरू करेंगे। वेलकम टू वृंदावन, जय श्री राम। हम आश्रम में आ चुके हैं श्री राम वृंदावन के आश्रम में। अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, ऑलमोस्ट 1:45 वाले हैं और डेट भी चेंज हो गई है। तो बाकी यात्रा हम आपको कल दिखाते हैं, क्योंकि थक गए हैं सारे के सारे। तो अब थोड़ा सा विश्राम करते हैं, कल मिलते हैं। और हमारे एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जब हम सुबह उठेंगे तो स्टार्टिंग में मॉर्निंग टाइम में सबसे पहले दर्शन हमें बांके बैरी जी के होंगे। और ये आप देखिए वो बांके बैरी जी का समय है। तो चलिए बाकी यात्रा कल से शुरू करते हैं। गुड नाइट और जय श्री राधे।